नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम आर पार। आज आर पार की शुरुआत में मैं दो बड़ी तस्वीरों के साथ कर रहा हूं। ये दोनों आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें हैं। एक तरफ अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर कांग्रेस का सस्पेंस अंतिम क्षण तक कायम है, जबकि एक दौर में गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले इन दोनों सीटों पर नॉमिनेशन के लिए अब मात्र कुछ घंटे ही बच गए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वोट जिहाद के सियासी आरोप में पूरी तरह से समय फंस चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी की जानी मानी नेता मरिया आलम खान ने मतदाताओं से वोट जिहाद की अपील की थी, जिसके चलते सलमान खुर्शीद और मरिया आलम खान दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस बीच पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक गठबंधन के भीतर सिर्फ फुटव्वल का सिलसिला जारी है, तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। परिवार का गढ़ तो फिर कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली में किस बात का है डर? अमेठी और रायबरेली, ये दोनों सीटें गांधी परिवार का गढ़ कही जाती थी। संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक यहाँ की जनता के आशीर्वाद से कई बार संसद पहुंचे। यही हाल रायबरेली सीट का भी है, लेकिन इस चुनाव में अमेठी और रायबरेली में नामांकन के लिए मात्र एक दिन बचा है, लेकिन कांग्रेस अब तक इस सीट पर उम्मीदवार नहीं चुन पाई। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं, मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर। कांग्रेस में क्या चल रहा है? कई सारे नेता छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा लग रहा है लीडरशिप चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, ऐसा है, दो चुनाव हम लगातार हार चुके हैं कांग्रेस की तरफ से और मैं खुद भी हारा हूँ, और मैं जो हारा या मेरे जैसे और भी जो जमीन पे काम करने वाले लोग हारे वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हारे, लेकिन दो हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी सुधरने को तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी इन हारों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। वही फैसला कर रहे हैं इसमें चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं? वही चंडाल चौकड़ी है, कांग्रेस के सारे फैसले यही लेते हैं और ये फैसला करते हैं कि कौन व्यक्ति कहां से चुनाव जीतेगा, उसका फैसला ये करते हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े। तो भाई कांग्रेस पार्टी की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? लेकिन विपक्षी खेमे की समस्या इतनी ही नहीं है, पंजाब से बंगाल तक आपसी महाभारत का सिलसिला भी जारी। भगवंत के दो टाइमिंग हैं, एक है सुबह से लेकर 6 बजे का, एक है शाम के 6 बजे के बाद का। ये 13-0 की स्टेटमेंट है 6 बजे के बाद की। वो एक स्पेशल दवाई पीते हैं जिसके बाद वो फिगर्स भूल जाते हैं, उल्टी फिगर बोलते हैं। ईमानदारी से 0-13 होगी। तृणमूल के वोट का बने तप्पे वाले बीजेपी के वोट दे दिया। इस बीच वोट जिहाद के मुद्दे पर भी विपक्षी खेमा घिर चुका है। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। सपा बसपा कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं और वोट जिहाद की मानसिकता ये बहुत खतरनाक है, इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है, भाव यही रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाले, अपना पूरा वोट डाले। तो सवाल है कि क्या एन चुनाव के बीच विपक्ष की चुनावी गाड़ी पटरी से उतर रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।